नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उत्तराखंडी लोगों का डंका बज रहा है, या फिर यूं कहें कि लोग उनका लोहा मान रहे हैं। उनकी ईमानदारी और कर्मठता के चलते देश के उच्च पदों पर ना सिर्फ आसीन है बल्कि पीएम मोदी की सेना में भी शामिल हैं। पीएम मोदी की सेना में कौन कौन से उत्तराखंडी योद्धा शामिल हैं, आइए अब वो हम आपको बताते हैं। पहले नंबर पर आते हैं अजीत डोभाल। जी हाँ, देश के सुरक्षा सलाहकार, जिनके हाथों में देश की रक्षा सौंपी गई मोदी जी ने, और कहते हैं कि पीएम मोदी का राइट हैंड अजीत डोभाल को माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि पीएम मोदी सबसे ज़्यादा विश्वास अगर किसी पर करते हैं तो वो सिर्फ अजीत डोभाल पर। करीब 7 सालों तक वो पाकिस्तान में बतौर एजेंट वहाँ रहे, लेकिन इसकी भनक वहाँ के किसी भी अधिकारी को नहीं लग पाई। और इसके अलावा ये भी बताया जाता है, जो कि वो पौड़ी गढ़वाल से आते हैं, हर साल अपने गांव जाते हैं और भारत की तरफ से जो 2 बारी सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उसमें भी अजीत डोभाल की बड़ी भूमिका मानी जाती है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं बिपिन रावत। जी हाँ, बिपिन रावत जो कि थलसेना के अध्यक्ष हैं, जिनके हाथ में मोदी सरकार ने देश की रक्षा या फिर कहें कि कमान सौंप रखी है। बिपिन रावत भी पौड़ी गढ़वाल से आते हैं और उनका जो परिवार है वो कई पीढ़ियों से बतौर आर्मी को अपनी सेवाएं दे रहा है। बिपिन रावत के बारे में कहा जाता है कि उन्हें खासकर जम्मू कश्मीर और चीनी सीमा पे, यानी कि चीनी सीमा पर काम करने का लंबा अनुभव है। और इसके अलावा सेना में रहते हुए उन्होंने कई पदों पर कमान संभाली, अभी यूँ कहें कि उन्होंने कई पदों पर अपनी सेवाएं दी। अब तीसरे नंबर पर आते हैं ओम प्रकाश रावत, जो कि देश के निर्वाचन आयुक्त के तौर पर नियुक्त किए गए, जो ये भी उत्तराखंड के काशी यानी कि उत्तरकाशी के रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश काडर के IPS ऑफिसर हैं ये, और ये बतौर सचिव भी रह चुके हैं और बिहार चुनाव से पहले भी इन्होंने चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाला था। चौथे नंबर पर आते हैं अनिल कुमार धस्माना, जो कि देश की खुफिया एजेंसी या फिर कहें कि खुफिया तंत्र रॉ के चीफ हैं। ये भी उत्तराखंड से आते हैं, इन्हें खासकर बलूचिस्तान और कहीं के इस्लामिक आतंकियों का जानकार माना जाता है। इन्होंने IPS अफसर बनने के बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों में, मतलब कई जिलों में इनकी तैनाती हुई, लेकिन इन्हें सबसे जो इनकी पहचान हुई वो हुई इंदौर में, जब बतौर SP उन्होंने वहाँ पे कहें कि ऑपरेशन बम्बे बाजार चलाया, जहाँ पे इन्होंने ना सिर्फ कहें कि माफिया राज को जड़ से ख़त्म किया बल्कि जिस्म फिरोशी को भी जड़ से वहाँ पे खात्मा किया। अब पाँचवें नंबर पर आते हैं राजेंद्र सिंह, जो कि भारतीय तटरक्षक के कहें कि अध्यक्ष हैं। ये भी उत्तराखंड के चकराता से आते हैं, गढ़वाल विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की और ये उन चुनिंदा लोगों में इनकी गिनती होती है जो उन्होंने बल के तमाम जहाज़ों का एकदम सफलतापूर्वक अपना कमांड किया है। तो ये वो उत्तराखंडी योद्धा हैं जो पीएम मोदी की सेना में शामिल हैं, जो ना सिर्फ देश की रक्षा करते हैं बल्कि इन्होंने देश का गौरव भी बढ़ाया है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टू गेट आर्टिलरी सपोर्ट वी हैव ऑल्सो गिवन इम्पेटस टू मेक इन इंडिया वे टू ऑफ द गन्स लाइक द बोफोर्स, वेरी मच लाइक द बोफोर्स सिस्टम आर बींग मैन्युफैक्चर्ड लोकली by L&T and Bharat Forge. And then we are also looking at the Dhanush weapon system, which is an ordnance factory weapon, which is again, I would say, almost a replica of the Bofors, because Bofors has proven as a very potent weapon during the war in Kargil. So that is how we are going with the modernization of the artillery. Then we found that the air defense systems needed an upgrade. So we have gone in for the Akash system, and now we are very soon going to contract for the Vishwarads. And then the other systems will continue. Simultaneously with this, we are inducting additional helicopters because the aviation fleet is expanding. And therefore, this is the way we are prioritizing our equipment. We also know that after some time, the mechanized forces will require upgradation because the T-72 tanks, which came in the 70s, is now going to become obsolescent in the next 10 to 12 years. But we have the T-90, which is a good modern weapon system. We have upgraded the T-90 by integrating it with other systems like the fire control system and other devices which can help the tankmen to operate at night. But then I think by about
the period between 2026 and 2030, we will have to go in for replacement of the T-72 tank. So that is going to happen, and by that time we hope that the artillery gun systems would have been procured. So then we start shifting our focus onto the mechanized forces. So gradually you find, you know, we will be able to modernize our army in a gradual manner, yet at the same time not being found wanting in executing our task any time if we are compelled to go to war again. Sir, I am Rehana, NTV Hyderabad. Yeah. What is the message you would like to give on this Kargil Vijay Diwas to Pakistan if they try to attempt any misadventure in the future? My message is, don't do it. This was a misadventure. Misadventures are normally not repeated. You'll get a bloodier nose next time. Sir, this side, Irfan Qureshi from TV9. Chalo, let him, I think, now that he's come, anyway. Take care. Namaste sir, Jai Hind. मैं सोमनाथ रॉय संवाद प्रतिदिन कोलकाता से जी सर जैसे कि हम सब हर एक भारतवासियों के लिए सेना गर्व है और लेकिन अभी हाल ही में दो चार न्यूज़ ऐसा आ रहा है कि पंजाब का सतपाल सिंह जो कारगिल वॉर में वीर चक्र मिले थे उनको वो अभी ट्रैफिक कांस्टेबल का ड्यूटी कर रहा है आसाम में एक रिटायर्ड आर्मी मैन को NRC के तहत में लिस्ट में ला दिया गया है सर इन सब एक्स आर्मी मैन जो है इन लोगों के लिए इन लोगों के सिक्योरिटी के लिए सर आप लोग क्या सोच रहे हो देखिए हम लोग जब तक कोई भी सैनिक भारतीय सेना में तैनात रहता है हम उसकी देखभाल करते हैं उसके बाद जब वो सेवानिवृत्त भी हो जाता है तब भी हम उसकी देखभाल करते रहते हैं अगर कोई जवान वीर चक्र प्राप्त करने के बाद अपनी मर्जी से अगर किसी पुलिस फोर्स में ज्वाइन करना चाहता है मेरे ख्याल में किसी ने उसको जबरदस्ती धकेला नहीं होगा उसने खुद ही सोचा होगा कि अभी मेरे में जान है अभी मेरे में देश के प्रति कर्तव्य निभाने का अभी भी हौसला है तो उसने सोचा होगा मैं पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर लेता हूँ इसलिए उसने अपनी मनमर्जी से ज्वाइन किया होगा अगर उसे लगता है कि ये मेरे लिए ये नौकरी मेरे लिए उचित नहीं है तो हम चाहेंगे कि उस नौकरी को छोड़ के दोबारा हमारे पास आए हम उसके लिए अतिरिक्त नौकरियाँ ढूंढ सकते हैं क्योंकि आजकल मैं आपको बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि प्राइवेट इंडस्ट्री बार बार हमें अप्रोच करती है कि हमें अपने जवान दीजिए जिन्हें हम अपनी इंडस्ट्री में एम्प्लॉय कर सकते हैं और वो किस लिए क्योंकि सबसे पहले हमारा जवान जो है उसमें डिसिप्लिन है उसमें कर्तव्य पालन की भावना होती है और वो कभी भी जो उसे काम दिया जाता है उसमें काम चोरी नहीं करता इसलिए अभी इंडस्ट्री के पास बहुत डिमांड्स हमारे पास आती रहती हैं हमने अपना एक डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स खोला हुआ है जो दिल्ली से ऑपरेट करता है हमने एक आर्मी प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी खोला है जो एक मेजर जनरल रिटायर्ड के साथ काम करता है और इसी तरह से कमांड्स और कोर्स में भी हमारे प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो अगर किसी जवान को अगर कोई नौकरी चाहिए तो वो हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकता है जहाँ तक आप असब की बात कर रहे हैं किसी जवान के खिलाफ NRC रजिस्टर में कुछ कार्रवाई की गई है तो हम उसे पूरा सहयोग देंगे हम उसे पूरा सहयोग देंगे और देते आए हैं अगर उसे किसी तरह की मदद चाहिए उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हम पूरी मदद करेंगे उसकी और हम नहीं चाहेंगे कि हमारी फौज में अगर कोई जवान जिसने अपना कर्तव्य निभाया है उसको किसी प्रकार की तकलीफ हो सेवानिवृत्त होने के बाद भी सर गवर्नमेंट रिसेंटली क्लेमिंग इन पार्लियामेंट टू रीथिंक ऑन क्लेमिंग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर डू वी हैव सच प्लान्स फॉर एक्सेशन देखिए जम्मू एंड कश्मीर जो है एक स्टेट है आप सब जानते हैं कि 1947 में महाराज हरि सिंह जो उस समय सदर रियासत थे उन्होंने कश्मीर का सक्सेशन विद इंडिया अक्टूबर 47 में साइन किया था और उसी के तहत भारतीय सेना कश्मीर में तैनात हुई थी और हमने उस समय पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ के बाहर किया था लेकिन एक उस समय सीज़फायर डिक्लेयर कर दिया गया था तो उस तहत कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान के कब्जे में है जैसे
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, तो ये है कि भाई पूरा जम्मू एंड कश्मीर पे भारतवर्ष का हक तो है, अब इसको किस तरह से हमने अपने कब्जे में करना है वो एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा कि क्या वो डिप्लोमेटिकली उस पर कुछ विचार करके उसको हासिल कर सकते हैं, या कोई अन्य अगर कोई उनके मन में विचार है तो वो उस पर विचार करेंगे और आगे की कार्रवाई जिस तरह के निर्देश दिए जाएंगे उसी तरह से की जाएगी। Sir, I am Mir Farhat. I work at ETV Bharat. Sir, my question is about how is the situation along.